फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कैरेक्टर क्रिएटर में विजुअल इफेक्ट के बारे में सीखेंगे। तो विजुअल इफेक्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं और विजुअल इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो कैरेक्टर क्रिएटर को यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। तो हमारा कैरेक्टर क्रिएटर ओपन हो चुका है और डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर भी हमारा यहाँ पर लोड है। तो चलिए हम विजुअल इफेक्ट आप देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे विजुअल सेटिंग्स, जो कि आपको F7 प्रेस करने पे मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप F7 प्रेस करेंगे यहाँ पे विजुअल सेटिंग मिलेंगे और विजुअल सेटिंग्स पे हमको अलग अलग करके ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिसमें हमको एटमोसफेयर, ठीक है, शेडो मैप और इफ़ेक्ट्स और उसके बाद ग्लोबल एलिमिनेशन का ऑप्शन मिलता है। तो सबका अलग अलग हम यहाँ पर करके समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो कि आपको यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही एटमॉस्फेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको एटमॉस्फेयर में जिसको आईबीएल लाइटिंग वगैरह के यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, एटमॉस्फेयर का जो ये ऑप्शन है आप इसमें डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट दिए गए हैं जिसकी मदद से आप यहाँ से एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करते हैं। यहाँ से एटमॉस्फेयर क्लिक करके देख सकते हैं और डायरेक्ट आप यहाँ से विजुअल सेटिंग्स में जाकर यहाँ से एटमॉस्फेयर वाले सेटिंग्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा है एम्बिएंट लाइट। ये एम्बिएंट लाइट में देखते हैं, यहाँ से एम्बिएंट कलर यहाँ से सेट करते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले में हमारा एम्बिएंट एक्लुशन, एक्लुशन यहाँ पे दिया गया है एम्बिएंट का। तो एम्बिएंट यहाँ पे कलर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे कलर ले लेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे एम्बिएंट कलर यहाँ पे हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हमारा एम्बिएंट कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो कोई भी कलर आप यहाँ पे डालकर चेंज कर सकते हैं और चाहे तो आप डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पे दिया रहता है वो भी हमारा डिफ़ॉल्ट रहेगा, ठीक है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, एक ले लेते हैं, यहाँ से ओके कर लेते हैं, ये हमारा चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर एम्बिएंट ऑक्लूशन यहाँ पर दिया गया है, इसको ऑन करने पर आपको आईओ टाइप्स, यहाँ पे आईओ टाइप्स और व्यू आईओ यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आपको ब्लेंड का ऑप्शन आता है। तो ब्लेंड को जैसे यहाँ पे मैनेज करेंगे आप देखेंगे कि ये हमारा कैरेक्टर पे जो इसका लाइटिंग है, कैरेक्टर का जो एटमोस्फेरिक लाइटिंग है यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ब्लेंड वाले ऑप्शन को जैसे ही कम करते हैं तो ये हमारा जो नॉर्मल जो इफेक्ट होता है नॉर्मल इफेक्ट में हमारा आ जाता है। ब्लेंड को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, ये हमारा ब्लेंड मोड में हमारा ऑप्शन देता है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ दिया गया है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद रेंज सेंटीमीटर में दिया गया है, पर सेंटीमीटर इसका रेंज है, ठीक है, यहाँ से रेंज इसको घटा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे शार्पनेस दिया गया है, यहाँ से शार्पनेस और बायस को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा अप्लाई आईओ का ऑप्शन है और व्यू आईओ को जैसे क्लिक करेंगे तो टोटली हमारा व्यू आईओ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आपको ब्लेंड का यहाँ से कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलेगा, स्ट्रेंथ भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा अप्लाई आईओ और एम्बिएंट लाइट को यहाँ से ऑफ कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन में हमारा एचडीआर सेटिंग है, यहाँ से एचडीआर इफेक्ट को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से एचडीआर इफेक्ट को जैसे ऑन करेंगे यहाँ से तो ये हमारा एचडीआर इफेक्ट यहाँ पे ऑन हो जाएगा, इसको हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, ये हमारा ब्लू कलर था, ये हमारा डिफ़ॉल्ट रहेगा। और यहाँ से एचडीआर इफेक्ट को यहाँ से ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर आईबीएल दिया गया है, एचडीआर का यहाँ पर ब्राइटनेस दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे ब्राइटनेस ट्रेस होल्ड और यहाँ पे ब्लूम स्केल यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं। और जैसे यहाँ पे एडवांस्ड ब्लूम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे जिसमें हमको बेस इरा सेटिंग्स, ठीक है, जो कि यहाँ से मिलेगा और यहाँ से स्मॉलेस्ट सेपरेट स्ट्रेंथ को यहाँ से कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे टोटली चीज़ एचडीआर इफेक्ट की है। और नीचे आते हैं, यहाँ पर टूल मैप दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर टूल मैप दिया गया है जिसमें आपको यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो इफेक्ट आता है एचडीआर का वो इफेक्ट यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पे वाइटनेस थ्रेशोल्ड दिया गया है और यहाँ पे एक्सपोज दिया गया है, एक्सपोजर दिया गया है और यहाँ पे ब्राइटनेस थ्रेशोल्ड दिया गया है। जैसे यहाँ पे ब्राइटनेस थ्रेशोल्ड करेंगे यहाँ से हमारा कैरेक्टर में यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे दिखने आपको शुरू हो जाएंगे। एक्सपोजर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ से एक्सपोजर दे सकते हैं। तो इस तरह आप एचडीआर इफेक्ट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद अगले ऑप्शन में आते हैं जिसमें हमारा ग्लेयर इफेक्ट है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप, जैसे यहाँ पर चीप लेंस है, यहाँ पर देखेंगे कि ग्लेयर इफेक्ट यहाँ पर आएगा और यहाँ से स्पार्कल स्ट्रेंथ यहाँ पे दे सकते हैं। और ये हमारा स्केल का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से स्केल दे सकते हैं और ये हमारा स्पार्कल स्ट्रेंथ दे सकते हैं। इस तरह हम ग्लेयर इफेक्ट यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे क्रॉस स्क्रीन है, उसके बाद ये हमारा स्पार्टिकल क्रॉस है। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं कि टोटली ग्लेयर इफेक्ट इस पर देते हैं कैरेक्टर पर, ठीक है। उसके बाद अगले ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे एच डी आर ऑफ करते हैं। अगले ऑप्शन में हमारा आई बी एल है, जिसको इमेज बेस्ड लाइटिंग सेटिंग्स बोलते हैं। आप यहां से भी आई बी एल दे सकते हैं, जाकर यहां पे आई बी एल का बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इस तरह आप आई बी एल दे सकते हैं।
और आप यहाँ से भी विजुअल सेटिंग्स में जाकर आई बी एल यहाँ से देख सकते हैं। तो आई बी एल में ये हमारा जो प्रीव्यू विंडो है, यहाँ से लोड करके अलग अलग टाइप्स के आई बी एल हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए वन साइड, ठीक है, ओपन करेंगे, ये हमारा वन साइड का आई बी एल है। तो यहाँ से स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेंथ देख सकते हैं। यूज एस आर जी बी पे, एस आर जी बी का इस्तेमाल है। उसके बाद स्काई यहाँ पे शो और हाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं एटमोसफेयर पे जाकर, यहाँ से दूसरा आई बी एल चूज कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा आई बी एल यहाँ पे लोड हो गया। और आते हैं विजुअल सेटिंग्स पे, तो आप यहाँ से स्काई को शो और हाइड करा सकते हैं। जो पीछे का बैकग्राउंड स्काई दिखाई दे रहा है, ये हमारा इसको स्काई है, इसको घटा बढ़ा सकते हैं। इसको ब्लर दे सकते हैं, ये हमारा ब्लर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको ब्लर इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी स्काई की सेटिंग है, यहाँ पे शो और हाइड यहाँ से करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आई बी एल सेटिंग है, और ये एच डी आर इफेक्ट है, एम्बियंट लाइट यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे आई बी एल ट्रांसफॉर्म भी आपको दिया गया है, जिसमें रोटेट आई बी एल कर सकते हैं। यहाँ से आई बी एल सेटिंग को यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, इस तरह जो पीछे का बैकग्राउंड है यहाँ पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे आई बी एल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसको यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट करने पे देखेंगे कि हमारा जो करेक्टर का जो लाइटिंग इफेक्ट है, वो भी हमारा चेंज हो रहा है। इस तरह करके हम इसको रोटेट कर सकते हैं, अप डाउन, लेफ्ट राइट, फ्री, यहाँ पे एक्स वाई जेड फॉर्म में हमारा एक्ट टोटली रोटेट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से रीसेट कर लेंगे और आगे आते हैं। आगे वाले ऑप्शन में आपको शैडो का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, कैरेक्टर का जो शैडो है, यहाँ पे शैडो का रेजोल्यूशन कितना हो यहाँ पे दे सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं टोटली विजुअल सेटिंग्स पे जाकर ये टोटली रीसेट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे शैडो वाला इफेक्ट देखेंगे, तभी हमको अच्छी तरह से यहाँ पे समझ आएगा। यहाँ पे एच डी आर इफेक्ट भी हम ऑफ कर दिए हैं, और यहाँ से हम आई बी एल को भी यहाँ से ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं दूसरा एक आई बी एल, और जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट है, यहाँ से डिफ़ॉल्ट वाला ले लेते हैं। ये हमारा डिफ़ॉल्ट आई बी एल आ गया। अब आते हैं विजुअल सेटिंग्स पे, विजुअल सेटिंग्स पे आते हैं, उसके बाद हमारे शैडो वाले सेशन में आते हैं। तो शैडो का जो आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे शैडो हमारा शो हो रहा है, ये शैडो दिया गया है। तो यहाँ पे शैडो का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कम कर सकते हैं इसको, घटा बढ़ा सकते हैं। ग्लोबल डार्कनेस मल्टीप्लायर यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ इसको भी हम बढ़ा सकते हैं। सॉफ्ट शैडो में भी आपकी क्वालिटी की परफॉर्मेंस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रेजुलेशन दे सकते हैं कि शैडो का रेजुलेशन कितना होना चाहिए, उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बेसिक सेटिंग्स होती है। उसके बाद नीचे ऑप्शन में फोकस नियर एरिया यहाँ पे इक्वल है, और यहाँ पे फोकस नियर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा शैडो का आता है। उसके बाद अगले ऑप्शन में इफेक्ट दिया गया है, जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी जो इफेक्ट है इमेज का, वो हमारा यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कॉन्ट्रास्ट डी है और यहाँ पे फिल्टर है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप यहाँ से इसको घटा बढ़ा सकते हैं, इसको इफेक्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इसको घटाने बढ़ाने पे आप देख सकते हैं हमारे कैरेक्टर पे कुछ इफेक्ट। और यहाँ से हम लोड करते हैं जो भी इफेक्ट बनाएंगे, ये ऐसा इफेक्ट फोटोशॉप में आप क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से भी इसको लोड करके यहाँ पे इफेक्ट पैक यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आइक्लोन पोज इफेक्ट फाइल को सपोर्ट करता है। उसके बाद फिल्टर वाले में भी हमारा वही ऑप्शन है, जिसमें रेड फिल्टर, ग्रीन फिल्टर और यहाँ पे ब्लू फिल्टर आपको मिलेगा। यह टोटली यहाँ पे ऑप्शन इसको चेंज कर सकते हैं। अगले ऑप्शन में देखेंगे कि जो हमारा ग्लोबल एलिमिनेशन है, उसको चेंज कर सकते हैं। अभी हम करते हैं यहाँ पे रीसेट और आते हैं अगले ऑप्शन में, हमारा ग्लोबल एलिमिनेशन इसको ऑन करते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्लोबल एलिमिनेशन ऑन हो चुका है, और यहाँ पे जीआई एंकर को यहाँ पे शो और हाइड करा सकते हैं। यहाँ पे एम्बियंट स्ट्रेंथ दिया गया है, जिसमें आप ग्लोबल इल्यूमिनेशन को आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। बैलेंस स्ट्रेंथ, शैडो डिटेल्स, शैडो बायस और वाइकस कॉनवास आपको दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसकी मदद से हम टोटली इफेक्ट जो भी करेक्टर यहाँ पे स्टेज पे क्रिएट करेंगे, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो सेम चीज़ हमारा यही आइक्लोन का भी सेटिंग्स होता है, तो आप उसको भी चेंज कर लेंगे। एंकर सेटिंग्स पे जाने पे आपको यहाँ पे जीआई का रेंज मिल जाएगा, ठीक है। आप जीआई के यहाँ से रेंज दे सकते हैं, और यहाँ पे ग्लोबल इल्यूमिनेशन सेटिंग दिया गया है। व्यू जीआई रेंज आप यहाँ क्लिक करके व्यू जीआई रेंज को दे सकते हैं, और यहाँ पे वोलेक्स भी आपको मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वोलेक्स फॉर्मेट में हमारा है, तो जो कि हम अभी यहाँ पे देखे थे जस्ट
यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो ये हमारा वोलक्स यहाँ पे दिखाया गया है ऑप्शन, जैसे इसको ऑफ करते हैं, इसको स्ट्रेंथ देने पे आप देखेंगे ये हमारा वोलक्स इफेक्ट का स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ रहा है। इस तरह हम इसको इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा टोटली विजुअल इफेक्ट्स रहा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।